पूरा देश अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहा है, नम आंखों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। ऐसे में एबीपी न्यूज ने भी यह खास कार्यक्रम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित किया है और देश भर की वो तमाम बड़ी हस्तियां, वो शख्सियत जो वाजपेयी जी को करीब से जानती रही, हमारे साथ यहां पर जुड़ रही हैं और उनसे जुड़ा हुआ अनुभव आपके साथ वो साझा भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अब तीन खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेद प्रताप वैदिक साहब हैं, सुधीन कुलकर्णी जी हैं, प्रेम शुक्ला जी हैं। आप तीनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। वेद प्रताप वैदिक जी, जिसका जिक्र मैं पहले भी आपसे कर रहा था, वाजपेयी जी के चरित्र की, उनके व्यक्तित्व की, शख्सियत की बात की जाए उसके संदर्भ में मैं एक इंटरव्यू का यहां हवाला देना चाह रहा हूं। मैंने सुना था जब उनसे एक सवाल पूछा गया था, उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि देखिए, सत्यार्थ प्रकाश या फिर कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल, दोनों को साथ साथ पढ़ा जा सकता है, उसमें कोई अंतर विरोध नहीं है। बिल्कुल अटल जी ने ठीक कहा और अटल जी के सांचे में ही हम लोग ढले हुए थे। बचपन में हमने भी सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा और आज से करीब 55-60 साल पहले दास कैपिटल के तीनों खंड हमने पढ़े और चित्त पर वो असर रहा। इसीलिए आप देखें कि अटल जी जब प्रधानमंत्री बने और जब विदेश मंत्री बने सन 77 में और उसके पहले और बाद में, हमेशा अटल जी का मन विस्तीर्ण रहा, संकीर्णता से उनका कोई लेना देना नहीं। उन्होंने इतनी उदारता दिखाई अपने विरोधियों के प्रति भी कि आज तक कोई विरोधी ऐसा नहीं कि जिसने उनकी आलोचना की हो। मुझे याद है 1967 के चुनाव में और 1962 के चुनाव में जब अटल जी, जगन्नाथ राव जी जोशी, मैं, भाई महावीर, हम लोग सब भाषण देने घूमते थे तो अटल जी को सुनने के लिए जो इंदौर में, उन दिनों में पढ़ता था, इंदौर में रहता था, तो विरोधी उम्मीदवार जो थे, जनसंघ के विरोधी उम्मीदवार, वो जीप में पर्दा डाल के अटल जी का भाषण सुनने आते थे। दूसरे दिन जब मुझसे मिलते थे तो कहते थे, आपके अटल जी क्या बोलते हैं, तबीयत खुश हो जाती है। वो जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते थे तिब्बत के सवाल पे, चीन के सवाल पर, उन दिनों चीन के साथ दंगल शुरू हो गया था हमारा, लेकिन कभी भी उन्होंने नेहरू जी के लिए हल्का शब्द इस्तेमाल नहीं किया। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ये कहा करते थे अटल जी के बारे में कि ये लड़का किसी दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। और अटल जी मेरी राय में भारत के दर्पण थे, उनका पूरा जीवन भारत का दर्पण था। उदारता, प्रेम, मोहब्बत, ये सबसे बड़ी उनकी ताकत थी। आप देखें, करगिल का युद्ध हुआ, सारा युद्ध हो गया, उन दिनों प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मुझे फ़ोन किया, इतवार का दिन था, किसी आर्य समाज में मेरा भाषण था। मैंने घर लौट के तुरंत अटल जी को बताया कि इस तरह से फ़ोन आया है, बोले आप कल ही जाइए और उनसे बात कीजिए कि उन्होंने क्यों ये युद्ध छेड़ा, वो तो हमेशा प्रेम की बात करते हैं, मेरे से इतना अच्छा कम्युनिकेशन है, फिर क्या बात है। दूसरे दिन सुबह ब्रजेश मिश्रा जी ने मुझे फ़ोन किया कि जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे, जॉर्ज भी मेरे दोस्त थे, हम लोग साथ गिरफ्तार हुए थे 1965 में, तो जॉर्ज कहने लगे कि वैदिक अगर जाएंगे तो ये कहना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो हमारे दोस्त नहीं है, सारे पाकिस्तान में ये होगा कि अटल जी ने शांति प्रस्ताव भेजा है। तो एन वक्त पर एयरपोर्ट जाने के पहले मेरी यात्रा स्थगित हुई, लेकिन अटल जी अंतिम समय तक ये कोशिश करते रहे कि लड़ाई बंद हो जाए, यानी वो शांति प्रेमी थे। आप देखिए, जब परमाणु बम फूटा तो मेरे ख्याल से उस दिन 12 मई थी और शनिवार था, शाम को मैंने कई बार फ़ोन किया, अटल जी ने उठाया नहीं। रविवार को सुबह उनका मुझे फ़ोन आया, बोले मियां नवाज से आप बात कीजिए, उनको समझाइए कि ये बम उनके खिलाफ नहीं है, ये बम भारत और पाकिस्तान का संयुक्त बम है। मैंने फ़ोन किया, मियां नवाज शरीफ सुबह 4 बजे लाहौर पहुँचे थे, 6 बजे सुबह उनको फ़ोन पहुँचा, उनके PA ने मुझसे कहा कि मियाँ साहब उठते से आपसे बात करेंगे। मैंने मियाँ नवाज शरीफ से कहा कि इस बम को आप हिंदुस्तान का बम मत समझिए, ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पूरे दक्षिण एशिया का बम है और अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसा प्रस्ताव भेजेंगे कि आपको कभी कोई खतरा नहीं होगा हमारे बम से। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने मेरी सारी बात सुन ली, लेकिन कहा कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है, जब्त रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, और 10-12 दिन बाद उन्होंने भी बम विस्फोट कर दिया। लेकिन अटल जी ने उन दिनों अनाक्रमण का प्रस्ताव किया कि भारत आगे होके कभी हमला नहीं करेगा। तो अटल जी एक मायने में इतने उदार थे कि हिंदू मुसलमान का सवाल, ब्राह्मण और अछूत का सवाल, स्त्री और पुरुष का सवाल, इन सब सवालों पर वे समतावादी थे। बिल्कुल, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं वेद प्रताप जी, और इसी से जुड़ा आप मेरा सवाल सुधीन जी आपसे है, क्योंकि लंबे वक्त तक आप उनके साथ रहे, उनके साथ आपने काम किया,
आज के दौर में कितने प्रासंगिक आपको लगते हैं वाजपेयी जी के विचार? उनके विचार और उनका कर्तृत्व मैं समझता हूं कि बहुत लंबे समय तक प्रासंगिक रहने वाला है। आज हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, लेकिन यदि उनसे कुछ हमें सीखना है तो एक राजनीति में उन्होंने उदारता और उदारता के साथ मानवीयता, मैं समझता हूँ कि मानवीयता, इंसानियत, ह्यूमनिज्म, वो उनका एक सिग्नेचर, उनके जीवन का एक सिग्नेचर ट्यून था। यानी छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ या बड़े व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबके साथ सरल, और जो मानवीय एक गौरव जो दिखाना है वो सबके प्रति वो दिखाते थे। और यही इंसानियत बड़े प्रश्नों को सुलझने में भी वो इस्तेमाल करते थे। उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले पहली बार जब कश्मीर गए, उस समय भी कश्मीर के हालात अच्छे नहीं थे, तो उन्हें पूछा गया कि आप कश्मीर की समस्या को भारत के संविधान के दायरे में कैसे सुलझना चाहते हैं। उसका तुरंत जवाब था, हम इंसानियत के दायरे में इसे केवल एक जीत लिया। जिसका वाला प्रधानमंत्री मोदी ने भी लाल किले अभी दो दिन पहले जी नरेंद्र मोदी, तो यही प्रासंगिकता है। मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा कि कश्मीर की समस्या गोली से नहीं, बोली से, और यह शुरुआत तो सुधींद्र कुलकर्णी जी को आपने सुना। दरअसल इस मंच पर तमाम बड़े लोग, नेता, इस देश के जो सियासी दिग्गज हैं वो आ रहे हैं, और हम एबीपी न्यूज के इस मंच के जरिए अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं, बीजेपी के युवा नेता हैं, तेज तर्रार नेता हैं, प्रवक्ता हैं। आरती मेहरा बीजेपी की वरिष्ठ नेता मेयर रह चुकी हैं। जगदम्बिका पाल जी मेरे साथ हैं, सांसद, और मेरे साथ गौरव शर्मा भी हैं, जिला महामंत्री हैं हरियाणा बीजेपी में। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप ही से शुरू करना चाहूंगा, और कोई ऐसा संस्मरण, कोई वाक्या वाजपेयी जी से जुड़ा हुआ जिसने आपके जीवन को बहुत प्रभावित किया हो? देखिए, अटल जी किसी भी बात को कहने की जो शैली है वो उनकी अद्भुत थी। 2004 का लोकसभा चुनाव आया, प्रधानमंत्री कार्यालय में लखनऊ के कुछ कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, विषय था चुनाव की तैयारी। तो स्वाभाविक रूप से सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर कहा, अरे बस अटल जी आके आपको नामांकन भरना है, उसके बाद 2.5 लाख से जीत होगी, 3 लाख से जीत होगी। अटल जी शांति से सुनते रहे सबके दावे। जब उनका समय आया, टर्न आया, तो उन्होंने बजाय कुछ बोलने के किस्सा सुनाना शुरू किया कि मेरे पिताजी बताते हैं कि घर के बगल में एक मौलवी साहब रहते थे, तो वो उनके पास गए, उन्होंने पूछा, मौलवी साहब आपके कितने लड़के हैं? तो उन्होंने कहा, जी वैसे समझो तो एक हैं, या समझिए दो हैं, या समझिए 9 हैं, या समझिए 100 हैं, या समझिए कोई भी नहीं। तो उन्होंने कहा, ये तो बड़ी पहली हो गई कि एक हैं, दो हैं, 9 हैं, 100 हैं और कोई नहीं। तो उन्होंने कहा, साहब जरा इसको विस्तार से बताइए। उन्होंने कहा, देखिए ऐसा है, मेरा एक लड़का है, खाता है 2 आदमियों के बराबर, तो जब वो भोजन पर बैठता है तो मुझे लगता 2 लड़के हैं। घर में ऊधम वो 9 लड़कों के बराबर करता है, तो जब घर में धमा चौकड़ी करता है तो मुझे लगता मेरे 9 लड़के हैं। घर से बाहर जब वो जाता है तो 100 लोगों के बराबर शिकायत आती है, तो मुझे लगता मेरे 100 लड़के हैं, और काम के वक्त वो दिखता ही नहीं, तो मुझे लगता मेरा कोई लड़का ही नहीं है। अब केवल ये एक वाक्य कहने से सारे कार्यकर्ता एकदम शांत, और जो मैसेज जाना था वो चला भी गया। तो ये एक जो सहज तरीका था उनका, वो मैं मानता हूं कि बहुत अद्भुत था। दूसरा एक उदाहरण है कि 91 का चुनाव था, लोकसभा और विधानसभा साथ साथ हो रहा था, मैं उस समय इंजीनियरिंग का छात्र था, तो चौक में गोल दरवाजे पे मीटिंग थी। तो उस समय बहुत लोग ये कह रहे थे कि साहब लोकसभा में तो कोई अटल जी का मुकाबला नहीं था, मगर विधानसभा में लोग कहते थे, जो प्रत्याशी थे, कि साहब ये वाला वोट ऊपर वाला अटल जी को दे दीजिएगा, मगर नीचे वाला हमको दे दीजिए। तो अटल जी ने वो वाला अपना फेमस डायलॉग बोला, कहा, कई लोग आएंगे आपके पास, कहेंगे ऊपर ऊपर वाला वोट तो अटल जी को दे देना, नीचे वाला हमको देना, तो उनको बता दीजिएगा ऐसा नहीं हो सकता, कुर्ता एक को जाएगा, पैजामा दूसरे को जाएगा, दोनों चीजें जाएंगी तो जोड़ी से जाएंगी। तो ये जो उनका एक तरीका था, बिल्कुल वो अपने का, हाँ, विनोदपूर्ण जो उनका आचार व्यवहार था। आरती मेहरा जी, आपके बारे में तो कहा जाता है कि आप वाजपेयी जी की खोज हैं। जी देखिए, मैं शुरू करने से पहले उनकी दो पंक्तियां जिनका बड़ा गहरा प्रभाव मेरे ऊपर है, कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो एक उनका जो विराट स्वरूप, अपूर्णीय क्षति हुई है, सदियों में ऐसा
नेता, एक ऐसे युग पुरुष हमारे, मुझे तो गर्व है, मुझे स्पॉट, मुझे खोजा गया और अटल बिहारी वाजपेयी जी उस चीफ गेस्ट थे जिस कार्यक्रम में मैं बोलते बोलते भावावेश होके दहेज के ऊपर, मैं दहेज के खिलाफ मैं बोल रही थी। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिरांडा हाउस की छात्रा थी। अच्छा। और तब उन्होंने कहा कि चेक करो बैकग्राउंड इस बिटिया का। वाजपेयी जी तब विदेश मंत्री थे, विदेश मंत्री थे मोरारजी देसाई सरकार के वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने मुझे स्पॉट किया और उसके बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी के कुछ लोग आए और उन्होंने मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के इलेक्शंस के लिए कहा। तो तब से मेरा, लेकिन अटल जी के साथ जुड़ी हुई यादें इतनी नॉस्टैल्जिक हैं, इतनी सुंदर हैं। अटल जी का पूरा जो व्यक्तित्व और उनकी, हम जीत के पहुंचे, जीत के पहुंचे, उन्हें खाने का और खिलाने का दोनों का बहुत शौक था। और छात्रों के बीच अक्सर जाया भी करते थे दिल्ली विश्वविद्यालय से, खासतौर पर मेरे कॉलेज में भी आए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय होने के नाते मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आज दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, आज दिल्ली के युवा जितने उत्साहित, जितना प्रेरणा महसूस कर रहे हैं और अटल जी के पूरे जीवन पे, तो मुझे लगता है दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम अटल विश्वविद्यालय होना चाहिए और अटल विश्वविद्यालय की मांगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम अटल विश्वविद्यालय होना चाहिए। ठीक है, जगदम्बिका पाल जी, आपका कोई संस्मरण वाजपेयी जी से जुड़ा हुआ? वो लखनऊ शहर में थे तो लखनऊ शहर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वहाँ का प्रतिनिधित्व करते थे और मैं लखनऊ शहर में पढ़ा भी, लखनऊ शहर में सियासत में विधायक बना और लखनऊ घर जैसा है, तो एक दो संस्मरण नहीं है। वो जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे प्राइम मिनिस्टर के पहले, तो नगर निगम के चुनाव में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसका पदेन मेंबर होता है और वोट भी दिया जाता है। हम भी, मैं MLC था उस समय MLA के पहले, तो मैं भी पदेन मेंबर था, तो उस समितियों की बैठक में आते थे। मतलब इतना बड़ा व्यक्तित्व, तो पार्टी के वो राष्ट्रीय नेता थे, लेकिन नगर निगम की बैठक में, नगर निगम के वोट देने में वो कभी एब्सेंट नहीं होते थे। और लालजी टंडन इस बात को कहते थे, वो भी पहले वहाँ मिनिस्टर बनने के पहले मेंबर थे, लेकिन उन मीटिंगों में आते थे तो वो स्पेशली कहते थे, तो बैठक में क्या है। मतलब उन्हें लखनऊ का चाट बहुत पसंद था, एक चौक की ठंडाई थी वो बहुत पसंद थी, खाने पीने के बहुत शौकीन थे। और बातचीत में, मतलब उस समय विचारधारा में हम लोग अलग थे, लेकिन उस ऐसा लगता था कि जैसे परिवार जैसे हो। मेरे एक साथ मैं कांग्रेस पार्टी, अच्छा, उस वक्त कांग्रेस में मेरे सगे भाई, हाँ। मेरे सगे भाई लॉ प्लास में रहते थे, वो नगर निगम के अधिकारी थे, उसी में इनको भी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक मकान मिला था। हमारे भाई साहब के बच्चे जब जाते थे तो घंटों उनके साथ रहते थे, खाते पीते थे उनके साथ, फोटो खींचती थी। होली हम लोगों ने एक दिन साथ खेली, होली में उस बार वो लखनऊ ही रहे, तो इतनी यादें उनके साथ हैं। और विपक्ष के साथ तो खास तौर पर बड़े मधुर उनके संबंध रहे। नरसिम्हा राव जी के टाइम तो कहा भी जाता था वाजपेयी जी से, कई लोग चुटकी लेते थे कि आप पक्ष में कि विपक्ष में, पता ही नहीं चलता। कहा जाने की बात अलग है, आज आपने क्या देखा, कल से हिंदुस्तान के किसी भी पार्टी का, किसी भी विचारधारा का, ममता से लेकर के और चाहे कांग्रेस पार्टी हो या कोई पार्टियां देश की हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, सभी पार्टी के लोगों ने क्रॉस द पार्टी लाइन जिस तरह से उनको श्रद्धांजलि दी है। आज सुबह भी जब मैं था तो उस समय अखिलेश यादव, कुमार स्वामी, देवी गौड़ा, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में या दुनिया में शायद पहली मिसाल होगी कि किसी के डेथ पे या निधन पे इस तरह से पूरे देश के लोग अपने अपने कार्य को छोड़ करके, और इतनी मल्टी डायमेंशनल इतनी पार्टियां हों और सभी पार्टी के लोग। सुधांशु जी की वो राजनेता तो थे, लेकिन राजनेता बाद में थे, पहले एक अच्छे इंसान थे। अक्सर कहा भी करते थे कि राजनीति मेरी पहली पसंद है नहीं। देखिए, व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने जिस प्रकार का उदाहरण दिया है वो तो मेरे ख्याल से समकालीन भारतीय राजनीति में असंभव की श्रेणी में है। एक पहली बात कि नेहरू जी ने कहा 57-58 में उनके बारे में प्रधानमंत्री बनने की बात कही। मेरे विचार से कोई ऐसा नेता आपको आसानी से नहीं मिलेगा जिसको 32-33-34 साल की उम्र में, और उस समय नेहरू जी जैसा व्यक्ति जो इतने विराट व्यक्तित्व थे उस समय लोकप्रियता में, वो प्रधानमंत्री की संज्ञा दे और 40 साल तक यानी दो पीढ़ियां उनको प्रधानमंत्री के रूप में कहीं ना कहीं उस झलक को देखती रहें, तो ये अपने आप में एक अद्भुत संयोग था। जैसा अभी जगदम्बिकापाल जी ने बोला, नरसिम्हा राव जी ने उनको अपना राजनीतिक गुरु शब्द प्रयोग किया, तब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे अटल जी। यानी जो व्यक्ति प्रधानमंत्री ना रहा उसको वर्तमान प्रधानमंत्री राजनीतिक गुरु की संज्ञा दे दे, ये अपने आप में बहुत अद्भुत संयोग है। और एक और मैं बात, उनका कोई स्पेसिफिक उदाहरण नहीं देना चाहूंगा, शिव कुमार जी जो उनके बड़े निकट सहयोगी रहे, उन्होंने बताया कई संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दों पर
श्रीमती इंदिरा गांधी भी उनसे कभी कभार सलाह मशवरा कर लेती थी कि ऐसी परिस्थिति है, इसमें क्या करना चाहिए। तो यह इस बात का प्रमाण था कि विश्वास की जो झलक थी। और दूसरा, आजकल कहते हैं ना क्रेडिट किसको मिल रहा है, श्रेय मार्ग। अरे भाई, जिनेवा में जब 1995 में पाकिस्तान प्रस्ताव लाया तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो नेतृत्व करते हुए गए और उस समय की कांग्रेस की सरकार थी उसको उन्होंने श्रेय दिया। ऐसा नहीं कि श्रेय स्वयं लेने का प्रयास किया। तो इस मामले में मानता हूं कि उनका जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत था। और बल्कि मैं एक और बात कहूंगा कि कुछ चीजों को उन्होंने जिस रूप में कहा है, अनेक कविताएं उन्होंने लिखी, अनेक कविताओं को अनेक रूप में उन्होंने लिखा। मैं एक बात कहूंगा, अटल जी की उदार छवि की बात आती है और कहा जाता भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती थी, तो अटल जी उसमें एक अलग लाइन पर चलते थे। मैं मानता हूं ऐसा नहीं था। अटल जी ने जो नेता कह दिया, अटल जी ने जो हिंदुत्व की भी जो परिभाषा की वो ऐसी की कि उसके ऊपर कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता था। अटल जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता है, पुराने जो लोग होंगे संघ के भाजपा के उन्हें पता होगा, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसकी अंतिम पंक्ति है। उन्होंने कहा, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार का आयाम पार्टी से जुड़ा हो, और स्थिति यह थी कि 80 के दशक में जब मैं बालक था उस जमाने में लोग अटल जी का नाम जानते थे और हमारी पार्टी का नाम नहीं जानते थे। मतलब मैं एक संस्मरण बताता हूं, जिस दिन अडवाणी जी गिरफ्तार हुए मैं पुराने लखनऊ में था, तो वहां पर सब्जी मंडी लगती थी, तो एकदम से कुछ दौड़ते हुए उन्होंने कहा कि भाई वो बंद करो बंद करो, वो कोई बहुत बड़ा नेता गिरफ्तार हो गया है, वहां की भाषा में बोले। अच्छा। तो उन्होंने पूछा कौन, तो कहा कमल की फूल वाली पार्टी का नेता। अब वो जो सब्जी लगाने वाला है वो बोल रहा है कमल की फूल वाली, तो उसकी जो पत्नी बैठी है कहती कमल की फूल मां तो अटल बिहारी है। तो वो मतलब कमल के फूल वाली पार्टी वो सिनोनिम्स विद अटल बिहारी। तो वो कह रहा है नहीं नहीं अटल बिहारी नहीं है पर कोई बहुत बड़ा नेता है। अच्छा। वो गिरफ्तार हो गया है तो ये बंद करो। तो कहने का तात्पर्य था कि उस समय तक भी अटल जी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ी पहचान रखते थे 80 के दशक में। बिल्कुल। और देखिए जगदम्बिका पाल जी अक्सर कहते थे वाजपेयी जी कि वैचारिक मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता है। क्या आज के दौर में आपको लगता है कि अब ये राजनीति मिसिंग है? देखिए ऐसा है कि हमेशा उनकी प्रासंगिकता रहेगी, और ये बात सही जैसा आपने कहा कि वो कहते थे मतभेद होना चाहिए मनभेद नहीं होना चाहिए, तो इससे उनके व्यक्तित्व विराट व्यक्तित्व की झलक आती है कि हमारे देश के इशूज पे मुद्दों पे मतभेद हो सकते हैं या हमारे कार्य करने की शैली पे हमारे कार्यक्रमों पे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जहाँ सवाल देश है, जैसा अभी सुधांशु जी ने कहा कि आखिर सुमन नरसिम्हा राव ने ही या कांग्रेस पार्टी ने उनको नेतृत्व करने के लिए भेजा प्रतिपक्ष के नेता की तरह से, या जिस समय बांग्लादेश बना उस समय का अगर आप उनकी स्पीच को याद करिए जिस तरह से उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए कहा कि, तो वो इन चीजों से बहुत ऊपर थे, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके आप सर उस वक्त सदन में थे जब वाजपेयी जी का वो भाषण हुआ था जब उन्होंने कहा था अगर गलत तरीके से मुझे सत्ता मिले तो मैं उसे चिमटे से भी नहीं पकड़ना पसंद करूंगा। मैं विधानसभा में था, मैं 28 साल विधानसभा में रहा, लेकिन स्वाभाविक है कि जो आपने वो बयान दे वो सारे जो इस तरह के बयान है उनकी कविताएं हैं। देखिए आखिर कविता होती क्या है, आदमी अगर संवेदनशील है तो वही कवि होता है, और कवि क्या होता है जो महसूस करता है जो जीता है या जो आसपास जो उसके मन में हृदय में स्पंदन होता है वही लेखनी के रूप में वो कविताओं के रूप में लिखते हैं। तो उनकी कविताएं कितना उनको एक संवेदनशील की पराकाष्ठा पे ले जाती है, तो उस नाते वो उनके व्यक्तित्व को कोई परिभाषित या हम लोग रेखांकित नहीं कर सकते कि हम उनको कवि के रूप में देखें कि उनको हम राजनेता के रूप में देखें कि एक साहित्य व्यक्ति रूप में देखें कि एक बहुआयामी व्यक्तित्व के रूप में, जैसा आपने कहा कि धुर विरोधी भी हों, कल से आप देख रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद हों या कांग्रेस पार्टी के नेता हों, मतलब कल से आज तक जिस तरह से राहुल गांधी खुद एम्स गए, खुद राहुल गांधी गए, लेकिन जिस तरह से गुलाम नबी आजाद का भी एक लंबा सफर है लोकसभा राज्यसभा में, वो जिस तरह से कल से अटल जी के साथ के अपने संस्मरण सुना रहे हैं कि गले मिल लेना खुल के बातें करना और चीजों पर रखना, तो ये कहीं ना कहीं जो आपने कहा आगे या वर्तमान में क्या होगा, मुझे लगता है
कि अटल जी के इन्हीं सब व्यक्तित्व ने कि जिस तरीके जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, तो आखिर कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व में यह झलक थी कि चाहे वो 30 वर्षों के बाद 40 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री बने हों, लेकिन वो व्यक्तित्व तो प्रधानमंत्री नेहरू रहे हों या देश का, दुनिया का, अंतर्राष्ट्रीय कोई नेता रहा हो, उसको मिलने के बाद अटल जी का व्यक्तित्व भारी पड़ता था, वो प्रभावित करते थे और उस पर छाप पड़ती थी। खास बात और, अभी थोड़ी देर पहले वेद प्रताप वैदिक मेरे साथ यहाँ पर थे आरती जी, वो ये कह रहे थे कि वाजपेयी जी की खासियत ये थी कि अपने सामने वाले व्यक्ति को बड़ा करके दिखाते थे, वो कभी वो छोटा भी हो पद में उसको ये एहसास नहीं कराते थे कि आप मुझसे छोटे हो। आपने ये बात कही तो मुझे एक बड़ी नॉस्टैल्जिक सी, बड़ी पुरानी याद, बहुत सुंदर। मैं सिर्फ निगम में एक सदस्य थी और वो देश के प्रधानमंत्री थे। निगम के नाते मुझे नेपाल जाने का एक अवसर मिला, जहाँ पे नेपाल की हम छोटी सिटीज में भी गए। वहाँ पे कुछ लोगों ने एक दिल के अपने भाव बताए और दिखाया कि ये सड़क चाइना बना रही है, ये हॉस्पिटल चाइना बना रहा है, लेकिन हम बेसिकली हिंदू राष्ट्र हैं और हम चाहते हैं कि भारत बड़े भाई की तरह हमारा हाथ पकड़े और हमारा जितना भी विकास कार्य है और जो कार्य हैं वो करवाए। मैं हाई में टच थी, मैंने आके एक पत्र लिखा और उस पत्र में जो मेरी भावनाएं थी वो मैंने सारी लिखी कि ये मेरा एक्सपीरियंस नेपाल में हुआ। प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मुझे बुलाया, एक निगम के पार्षद को उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने आके कहा कि पूरा बताओ कि वहाँ पे क्या क्या हुआ और कैसे बात हुई। तो उनका उदार और बड़ा मन और उनकी पूरी सोच जो थी वो इतनी समावेशी थी कि अपने आप में मुझे लगता है वो एक बड़े इंस्टीट्यूशन सदियों तक आने वाले समय में हमारे युवा जो भी लीडरशिप क्वालिटी, आपने कही कि सोच जो उनकी थी समावेशी थी, एक लिहाज से कह सकते हैं कि समावेशी सोच के विश्वविद्यालय थे वो। विश्वविद्यालय थे और विश्वविद्यालय का नाम तो होना ही चाहिए उनके नाम पे, तो अटल बिहारी दिल्ली यूनिवर्सिटी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ जो बड़ी मीठी मधुर याद है, एक 98 में अडवाणी जी के घर होली के दिन वो आए। अडवाणी जी के घर की होली मशहूर थी। अब वो आए, वो चटक कुर्ता वगैरह सब पहना हुआ था, तो शुरू में तो उन्हें लगा कि भाई थोड़ा दूर से माथे पे तिलक और ये वो, लेकिन जब उन्हें लगा कि मैं बच नहीं पाऊंगा, तो मुझे आज भी याद है, ऐसे बैठ गए और कहले रंग लो, जितना रंगना है रंग लो। हाथ उनके बहुत बोलते थे, उनके हाथों की भाषा, इंदिरा गांधी जी ने एक बार कहा भी था ये हाथ बहुत हिलाते हैं, तो कहते पैर कौन हिलाता है बोलते हुए, हाथ ही तो उनकी जो ये मधुरता और बात को इतने व्यंग और इतने मीठे तरीके से कह देना, उनकी बहुत बड़ी तो जोड़ना चाह रहे हैं। इंदिरा जी वाला इन्होंने संस्मरण बताया, वो स्थिति ये थी कि इंदिरा जी और अटल जी के बीच में बहुत एक तीखी बातचीत हो रही थी, तो इंदिरा जी ने ये कहा कि आप नाजी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए आपकी ये हिम्मत नहीं है कि नजर से नजर हम लोगों से मिला सकें, और इसलिए क्योंकि आपकी विचारधारा भी नाजी है और आप हिटलर की तरह हाथ उठा उठाकर भाषण करते हैं, तो उस पर अटल जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी को इस बात पे आपत्ति है कि मैं हाथ उठा उठाकर भाषण करता हूं, तो वो एक ऐसी नेता बता दें जो टांग उठा उठाकर भाषण करता हो, तो एकदम वो जो तीखा माहौल था, वाकपटु थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने मुझसे कहा है कि नजर नहीं मिला के बात कर सकते, तो फिर उन्होंने बड़े लाइट अंदाज में कहा यह सच है कि मैं नजर मिला के बात नहीं कर सकता क्योंकि नजर मिलाने के बाद मेरे लिए हटाना मुश्किल होने लगेगा। तो क्या हुआ कि जितना भी एक तीक्ष्णता थी उस बहस की वो उन्होंने डायल्यूट करके दूसरी तरफ कर देते थे। ये उनके अंदर जो क्षमता थी, वो जिसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति, जिसको अंग्रेजी में विट कहते हैं, वो उनके अंदर जबरदस्त थी। और मैं लगता हूं कभी कभी जब सुनने का मौका मिलता था तो ये लगता था कि अरे इस जगह पे ये वाक्य भी बोला जा सकता है। वो चीज अगर आज मैं कहता हूं नेता के रूप में छोड़ दीजिए, साहित्य के विद्यार्थी के रूप में कोई व्यक्ति देखे तो भी उनके पास ऐसे बहुत अनुकरणीय शब्दों का भंडार है। और आज की पीढ़ी में तो एक और भी बात हो गई, शुद्ध हिंदी की का ज्ञान लोगों में क्रमशः कम होता चला जा रहा है, तो वो तो और भी बड़े महत्वपूर्ण एक प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं। अगर वो मान लीजिए याददाश्त कितनी तेज थी, ना सिर्फ राजनीतिक लोगों को याद रखते थे, घर परिवार के लोग सब उनसे लगातार जुड़े रहे। सुधांशु जी, आपको कोई कविता वाजपेयी जी की अभी याद आ रही हो जो दर्शकों को सुनाना चाहें आप? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि अटल जी का जो देहावसान हुआ है और इस समय लगभग दोपहर के का समय है, तो उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है ना, आओ मिलकर दिया जलाएं, तो ऐसा लगता है कि अचानक भरी दोपहरी में अंधकार का आभास हो रहा है और लगता जैसे कोई दिया था बुझ गया है, परंतु ये उन्हीं की प्रेरणा है कि दोबारा हमें
उसको जागृत करना है और आगे उस कार्य को आगे बढ़ाना है, तो मुझे वही कविता की पंक्ति ध्यान आती है, आओ मिलकर दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा सूरज पर छाई से हारा, भरी दोपहरी में अंधियारा सूरज पर छाई से हारा, अंतर तम का नेह निचोड़े बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। तो मेरे विचार से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जो भी उनके प्रति सहानुभूति रखने वाले लोग हैं, श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, उनके लिए ये एक प्रकार का संदेश है। और एक और वाक्य मैं कहना चाहूंगा, एक जो उन्होंने बात 2004 में कही थी, आज जब मोदी जी की सरकार जिस पथ पे आगे बढ़ रही है, तो वो कविता की पंक्ति राजनीतिक और विकास दोनों के प्रेरणा का एक प्रतीक है। उन्होंने एक पंक्ति कही थी कि स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। बिल्कुल समय नहीं मेरे पास आरती जी, जगदम्बिका पाल जी बिल्कुल एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, इतना बड़ा व्यक्तित्व तो किसी का कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो शख्स शरीक हुआ उसके बाद से 57 में सांसद बनने के बाद से लगातार सांसद बनते रहे और यहां तक आना, इतने दिनों तक राजनीति में बने रहना कि कैसे मुमकिन हो पाता है बिल्कुल छोटे में? देखिए ऐसा है कि वो वही बना रह सकता है कि जिसकी एक डायरेक्ट कनेक्ट जनता से और कार्यकर्ताओं से हो। 10 बार का उनका सांसद बनना, हाँ। और पार्लियामेंट में एक अमिट छाप छोड़ जाना, उत्कृष्ट सांसद तो हर बार कोई इनको ही होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अटल जी जो छोड़ गए हैं एक सांसद के रूप में, एक व्यक्ता के रूप में, मुझे लगता है कि अभी भी उसको कोई छू नहीं पा रहा। बिल्कुल आरती मेरा जी, वक्त नहीं है मेरे पास, बिल्कुल समय नहीं। राजीव गांधी जी के निधन पर उन्होंने रजिस्टर में कुछ पंक्तियां लिखी थी, एक बहुत बड़ा और सच्चा व्यक्ति। हाँ जी, एक दिन राजीव गांधी सुबह मेरे निवास पर आए और मुझसे कहा, हमारा एक प्रतिनिधि मंडल अमेरिका जा रहा है और आपको संसदीय दल के नेता के तौर पर उसकी अगुवाई करनी है। मैं वहां गया, मेरी बीमारी के इलाज के लिए पूर्णतया मेडिकल सेवाएं मुहैया कराई गई और इस तरह उन्होंने एक नहीं 5 बार आग्रह करके मुझे भेजा, मैं ठीक होता चला गया, पर राजीव गांधी ने कभी इसका जिक्र किसी से नहीं किया। आज देश ने सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं खोया, एक बेहतर इंसान भी खोया है, ऐसा व्यक्ति जिन्होंने रजिस्टर में लिख दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी को, और हम भी श्रद्धा सुमन इस मंच के जरिए उन्हें अर्पित कर रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।